6:11-23. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. So, हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम एंड हरे कृष्ण 6:11-23. ओके फिर से रिपीट कर लेते हैं तो कुछ समझ नहीं आया. त्रैवर्गिकायास विघातम अस्मात् पतिर्विद्धत्ते पुरुषस्य शक्र ततो अनुमेयो भगवत् प्रसादो यो दुर्लभो अकिंचन गोचरो अन्यै. एनीवे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंग्लिश में, सो हिंदी में आई जस्ट स्पीक ऑन. ट्रांसलेशन बस इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ मैं. प्रभुपाद लिख रहे हैं, आर लॉर्ड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड फॉरबिड्स हिज डिवोटीज टू एंडेवर यूजलेसली फॉर रिलीजन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन. ओ इंद्र, वन कैन दस इन्फर हाउ काइंड द लॉर्ड इज. सच मर्सी इज ऑब्टेनेबल ओनली बाय अनअलॉयड डिवोटीज, नॉट बाय पर्सन्स हू एस्पायर फॉर मटेरियल गेन्स. बहुत ही अच्छा पर्पट है. वेल मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं, दैट्स ओके. टेक मी टू द साइड, यू शुड. सो एक्चुअली यहां पर वित्रासुर की कथा चल रही है, बाया था जिसको नहीं पता. तो और वित्रासुर की जो कथा है वो उसमें ये जो शेष श्लोक हैं वो वित्रासुर ने भगवान को ऑफर किए हैं प्रार्थनाओं में मरने से पहले. मतलब इंद्र और वित्रासुर के बीच में फाइट चल रही है और इंद्र भी सॉर्ट ऑफ डिवोटी है और वित्रासुर भी असुर के शरीर में मगर है भक्त. इंद्र को पता नहीं था. वो तो जब वित्रासुर ने प्रेयर्स ऑफर करना शुरू किए तो इनको पता लगा ये तो डिवोटी है. और ये भी पता लगा कि वित्रासुर डिवोटी नहीं है मगर इंद्र से भी बड़े डिवोटी हैं. असुर हो तो ये भी. सो वित्रासुर यहां पे प्रे कर रहे हैं भगवान से, मतलब भगवान से प्रे कर रहे हैं और इंद्र को कह रहे हैं, इन अदर वर्ड्स इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि त्रैवर्गिकास्य विघातम अस्मात्, कि संसार में त्रिवर्ग होते हैं. त्रिवर्ग, त्रिवर्ग समझते हो आप? त्रिवर्ग मतलब या तीन तीन सेक्शंस, तीन कैटेगरीज. वर्ग मतलब कैटेगरी. तीन गोल्स होते हैं ये समझ लो, तीन लक्ष्य हैं लोगों के, धर्म अर्थ और काम. मोस्टली लोग इसी के पीछे पड़े रहते हैं. वैसे तो चतुर्वर्ग होता है. वैसे तो मनुष्यों के लिए क्या बोलाता है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष. इसको या तो चतुर्वर्ग बोल लो या इसको पुरुषार्थ बोल लो. इसको पुरुषार्थ भी बोला जाता है. पुरुषार्थ मतलब जिसके लिए, पुरुष अर्थ मतलब मेहनत. इसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं, चार चीजों के लिए करते हैं. सारी चीजें चार ब्रैकेट्स में आ जाएंगी. या तो धर्म मतलब हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए. आगे माइक नहीं है, या तो माइक नहीं है. या तो हम अर्थ पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं, या काम या अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, जो भी हो. फॉर एग्जांपल आप पायलट बनना चाहते हो या डॉक्टर बनना चाहते हो फॉर एग्जांपल. या मोक्ष, मोक्ष मतलब स्पिरिचुअलिटी. हमें रिया सत्य को जानना है, यू सी, भगवान को जानना है. जानने के सेंस में, सेवा के सेंस में नहीं है मोक्ष. मतलब मोक्ष
मोक्ष और भक्ति में फर्क है, भक्ति में हम सत्य की सेवा करते हैं, मोक्ष में हम सत्य को जानते हैं, बस ये फर्क है। मोक्ष में व्यक्ति भगवान को जानना चाहता है, समझना चाहता है, भक्ति में सिर्फ समझना नहीं चाहते, भक्ति में हम लोग ज्यादा उनकी सेवा करना चाहते हैं, फर्क है। तो भक्ति तो अलग रख दो, मगर धर्म अर्थ काम मोक्ष इन्हीं के पीछे सारे लोग हैं। भक्ति तो केवल उन्हीं को मिलती है, कुछ ही शायद बिरलों को मिलती है जो भगवान के भक्तों के कॉन्टैक्ट में आते हैं, और कॉन्टैक्ट के बाद उसका फायदा भी उठा लेते हैं और समझ आते हैं कि हाँ भाई ये सब चीजें बेकार है। सो बट 99% लोग मोक्ष के को भी उनको आइडिया नहीं है। 99% लोग क्या है, धर्म अर्थ और काम, इसी में पड़े रहते हैं, इसको कहते हैं त्रिवर्ग। सो वृत्रासुर कह रहे हैं त्रिवर्गिक से त्रिवर्गिक आयास विघातम। सो वो कह रहे हैं कि इन तीनों चीजों के लिए विघात आयास, आयास मतलब होता है प्रयास, प्रयास तो वर्ड पता होगा, आयास उसी से आ रहे, प्रयास से मेहनत करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, 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 क्या मिलता है, विघातम। विघातम मतलब अल्टीमेटली प्रभुपाद लिखने द रूइंस, द रूइन मतलब अल्टीमेटली उनको क्या मिलता है, मेहनत, परेशानी और अल्टीमेटली मृत्यु। तो क्या मिला फिर, अगर आपको मेहनत, परेशानी और मृत्यु मिली तो क्या मिला, परिश्रम मिला नहीं, मेहनत परिश्रम ही हो गया, और भय, भय मतलब परेशानी, डर ही लगता रहता है ना, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे हो कैसे हो कैसे हो, और मृत्यु। तो एक्चुअली वृत्रासुर एक तरह से क्या कह, एक तरह से वृत्रासुर देवताओं के बारे में ही बोल रहे हैं, नहीं इंद्र तो देवताओं का राजा है ना, बोल रहे हैं भी आप लोग देवता लोग या जो भी मनुष्य लोग इन धर्म अर्थ काम के लिए करते रहते हैं सब काम, मगर उनको मिलता क्या है, क्या मिलता आप लोगों, कुछ नहीं मिलता, बेकार है। सो विघातम त्रिवर्ग कहायास विघातम अस्मात् पथि विधत्ते पुरुषस्य, मगर जो हमारे पति हैं, अस्मात् पति मगर जो हमारे पति, हमारे भगवान है, भगवान ही हमारे किंग हो गए, भगवान ही हमारे हस्बैंड हो गए, भगवान ही हमारे फादर हो गए, नहीं तुम्हें व माता पिता तुम्हें व सखा तुम्हें व बन, यही कहते हैं ना, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत, गीता में तो ये आ रहा है, गर्जुन ही कह रहे हैं कि आप मेरा सब कुछ है। तो एक्चुअली वृत्रासुर जो वर्ड यूज कर रहा है ना अस्मात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अस्मात से वृत्रासुर कह रहे हैं कि हमारे, तुम्हारे नहीं। अब इंद्र तो समझ रहे ना कि मैं डिवोटी हूं, एक्चुअली इंद्र ने वृत्रासुर को मारने के लिए भगवान के पास गया था इंद्र, और इंद्र ने भगवान से प्रे की भगवान मैं मानना चाहता हूं वृत्रासुर को, तो भगवान ने कहा ठीक है दधीची के पास चले जाओ, दधीची बहुत बड़े ऋषि थे, और उनसे उनकी हड्डियां मांगो, और दधीची उस टाइम नैमिषारण्य में तपस्या कर रहे थे, ये नैमिषारण्य अभी जगह भी है, वो दधीची कुंड है जहां वो अभी भी है, तो वहां पे तपस्या कर रहे थे, भगवान ने कहा उनके पास जाओ और उनसे तुम उनकी हड्डियां मांगो और उससे तुम वज्र बनाओ और उससे वृत्रासुर मर जाएगा। मगर भगवान बहुत दुखी भी थे अंदर से इंद्र को बोलते हुए, क्योंकि इन वन सेंस भगवान कह रहे थे यार इंद्र मुझसे मांगने आया कि वृत्रासुर को मारूं, ये मुझसे मांगने नहीं आया कि आपकी भक्ति मिल जाए कि जन्मृत्यु से निकल जाऊं, मतलब सामने ही खड़ा है भगवान के, और ये भी मांग सकता है कि भगवान जन्मृत्यु से निकल जाऊं, झंझट में क्या फंसना है, मगर इंद्र ने नहीं मांगा है, वो मारने की बात कर रहे हैं, उसको मार दूं इसको मार दूं क्योंकि मेरा एनिमी है इसलिए मार दूं। नाउ दैट्स अ पॉइंट, मारने में खराब नहीं है भाई, कोई मान लीजिए रावण जैसा कोई आ जाए, वो आ जाए तो फिर आप बोल सकते हो ठीक है मार दें क्योंकि उसे संसार का कल्याण होगा, मगर यहां तो वृत्रासुर को मारने से सिर्फ इंद्र को अपने भय लग रहा है, क्योंकि वृत्रासुर तो इंद्र को ही मारना है ना, उससे कोई संसार का कल्याण तो हो नहीं रहा, संसार को तो तंग नहीं कर रहा वृत्रासुर, वृत्रासुर का एक ही टारगेट था इंद्र को मारना, क्योंकि वृत्रासुर का जन्म ही इसलिए हुआ था, जो तो कौन ऋषि था जो कि वो कर रहा था यज्ञ, क्या नाम था उसका यार, क्या था विश्व, हाँ विश्व श्रवा ऐसी कुछ नाम था, तो जब वो यज्ञ कर रहा था तो एक्चुअली इंद्र ने यज्ञ कराया था उससे विश्व श्रवा से, क्योंकि तुम यज्ञ करो
और हम असुरों को मारेंगे, मुझे शक्ति मिलेगी। नहीं, मगर एक्चुअली वो जो ऋषि था उसके पिता तो देवता थे, मगर माँ शायद असुर कुल से थी। तो उसने कहा भी देवता लोग मुझे शक्ति मांग रहे हैं असुर को मारने के लिए, मेरी माँ तो असुर कुल की है। तो उसने वो मंत्र इस तरह बोल रहा था कि आधी शक्ति देवताओं को जा रही थी, आधी शक्ति असुरों को। प्रॉब्लम वहां पे हो गई। तो वो मंत्र बोल रहा था इंद्र शत्रु वर्धत्स्व। वर्धत्स्व मतलब समझते हो, वर्धत्स्व वर्धन, वर्धन गोवर्धन बड़े बड़े। तो इंद्र ने आगे कराया, तो उसको बोलना था कि इंद्र इंद्र शत्रु वर्धत्स्व, कि इंद्र जो कि सबके शत्रु हैं उनका बल बढ़े, ठीक है ना। इंद्र जो असुरों के शत्रु हैं उनका बल बढ़ जाए। तो कभी तो ऐसे बोल रहा था वो, कभी उल्टा बोल रहा था इंद्र के शत्रु का बल बढ़ जाए। अब वो मीनिंग बोलने से चेंज हो जाता है। अब अगर आप बोलो इंद्र शत्रु वर्धत्स्व, अगर आप इंद्र पे जोर डाल दो इंद्र शत्रु वर्धत्स्व तो इंद्र का बल बढ़ गया। अगर शत्रु पे जोर डाल दो इंद्र शत्रु वर्धत्स्व तो शत्रु का बल बढ़ गया। अब वो बीच बीच में ना ऐसे बीच बीच में वैसे तो बोल रहा था इंद्र शत्रु वर्धत्स्व स्वाहा, इंद्र शत्रु वर्धत्स्व स्वाहा, बीच में वो चेंज कर देता था इंद्र शत्रु वर्धत्स्व स्वाहा। इंद्र ने पकड़ लिया, ये क्या कर रहा है तू, उल्टा ही बढ़ रहा है। तो इंद्र ने वहीं तलवार ली, गला काट दिया उसका, वहीं पे सीधा मार ही दिया सीधा उसको, चीटिंग कर रहा है। मगर उस टाइम तक असुरों को आधी शक्ति पहुंच गई और उस यज्ञ से बहुत बड़ा असुर निकला, उसका नाम क्या था, वृत्रासुर। वो तब प्रकट हुआ, वो जितनी आधी शक्ति दी थी ना उसने असुरों को, वो आधी शक्ति वो इस व्यक्ति में आ गई और वो उसका मूर्तिमान बन के वहां से निकल आया। तो इंद्र तो कमर आ गया, कौन आ गया। और ऑफ कोर्स मतलब वो तो उसने तो ये कहा कि इंद्र के शत्रु का वर्धन बल बढ़े, तो वो पैदा ही हुआ था ये भाव लेकर कि मैं इंद्र का शत्रु हूं। मतलब वो बॉन ही इसलिए हुआ कि मुझे उसको मारना है, उसका टारगेट ही ये था बस, और कुछ नहीं था। तो उसका टारगेट ही नहीं था कि संसार का कल्याण करेंगे, हैपक मचाएंगे, ऐसे रावण हिरण्यकशिपु, उसका तो भैया इनको मारूंगा बस, उसके मारने के बाद खत्म हो गया मेरा मिशन, मैं चला जाऊंगा। तो इंद्र वैसे तो गलत नहीं था, वैसे तो ब्रह्मा जी और सब लोग प्रे करते ही हैं जब भी बड़ी बड़ी असुरिक शक्तियां बढ़ती हैं संसार में। जब ब्रह्मा जी और पृथ्वी देवी गई ब्रह्मा जी के पास और विष्णु के पास, जब कंस ने आतंक मचा दिया था, तो उसमें गलत नहीं है मांगना, क्योंकि विश्व कल्याण के लिए ना। यहाँ तो भगवान दुखी, भगवान ने कहा तो पर्सनल एजेंडा के लिए मुझसे शक्ति मांग रहा है। तो फिर भी भगवान ने उसको दे दिया, वैसे तो मना नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कुछ और प्लान चल रहा था, वो बताऊंगा मैं। बट भगवान ने कहा ठीक है, तो तुम दधीचि के पास जाओ, वो अपनी हड्डियां देंगे। सो नाउ दैट्स अ पॉइंट यू सी, इंद्र इतना मीन काम कर रहा है मगर वो दधीचि के पास हड्डियां भी मांगने चले गए, और दधीचि ने अपनी हड्डियां दे दी, क्योंकि दधीचि सेल्फिश, दधीचि तपस्या अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे थे। यू सी अनदर पॉइंट, दधीचि तो अपने स्वार्थ के लिए तपस्या, दधीचि तो वैसे ही विश्व कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हड्डी दे दीजिए, इससे वृत्रासुर मर जाएगा। ऑफकोर्स इंद्र ने एक्सप्लेन नहीं किया कि ये तो मेरा एजेंडा है। उन्होंने कहा भगवान ने ऑर्डर दिया है, तो उन्होंने कहा ठीक है, विश्व का कल्याण होगा, भगवान ने जब बोला है। तो उन्होंने अपना शरीर जलाया और उन्होंने कहा मेरी हड्डी ले जाना, जो भगवान ने बोला है ना, छल क्या हो गया। तो दधीचि तो समझ गए कि भगवान का कुछ प्लान होगा इसमें, विश्व कल्याण का। ठीक, इंद्र की अपनी अटेंशन होगी मगर भगवान का तो कुछ प्लान है ना, भगवान इंद्र को इस्तेमाल कर रहे हैं अपना कुछ प्लान पूरा करने के लिए, वरना भगवान पूरा नहीं करते, मना कर देते। तो पॉइंट यह कि दधीचि, इंद्र फिर भी नहीं समझ पाया दधीचि को देखकर, उस टाइम दिमाग नहीं चला कि तपस्या भी विश्व कल्याण के लिए होनी चाहिए। अपनी इच्छाएं मांगना तो बहुत दूर की बात है, इच्छाओं को छोड़ना भी विश्व कल्याण के लिए होना चाहिए। मांगना तो होना ही नहीं चाहिए विश्व कल्याण, अपने सेल्फिशनेस के लिए, समझे। अगर कुछ मांगना भी है तो वो भी विश्व कल्याण के लिए मांगो,
तो इच्छाएं लो या छोड़ो वो सब विश्व कल्याण के लिए होना चाहिए। अगर इच्छाएं ले रहे हो या छोड़ रहे हो अपने स्वार्थ के लिए तो दोनों ही बेकार है, दोनों ही बेकार है। इसलिए अगर आप भक्ति भी अपने लिए कर रहे हो तो बेकार है वो। भगवान को इतना ठीक है, बेकार तो नहीं कह सकते, मगर भगवान को इतना खुश नहीं करेगा वो नहीं करेगा खुश, वो भी अपने लिए नहीं किया। तो वही तो मैं कल पूछ रहा था, पहले ही पूछ रहा था ना मैं कि हम लोग भगवान को सुख क्यों देना चाहते हैं, यू सी द पॉइंट। तो उसका आंसर आया ही नहीं लोगों के पास, सुख इसलिए आना चाहिए क्योंकि मुझे शांति चाहिए, कि मुझे सुख चाहिए, कि मुझे ये करना, मुझे करना, मुझे करना है। वेल, कल मैंने पूरा आंसर बताया नहीं था कि सुख क्यों देना चाहते, एक आंसर बताया था जरूरी कि सुख क्यों देना चाहते हैं भगवान को, क्योंकि हम क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ऑप्शन नहीं है, तो और किसको सुख दें? संसार के लोगों को, जो कुत्ते लोग हैं, बकवास लोग, उनको क्यों सुख दें हम? मतलब मीन सेल्फिश लोगों को, गंदे लोगों को थोड़े ना सुख देंगे, और अपने आप को सुख दें? हम तो सबसे बड़े गंदे आदमी हैं, उसकी भी कोई सेंस नहीं बनती। वैसे कोई पूछता भी नहीं अपने आप से कि मैं अपने को क्यों सुख दूं, कभी पूछा आपने? कभी ये कभी नहीं पूछोगे क्योंकि आपके दिमाग में थॉट आएगा ही नहीं। अपने आप को क्यों सुख देना भाई? आप एज्यूम करके चल रहे हो, बता रहा था एजम्पशन, एजम्पशन की बीमारी बहुत अंदर तक घुसी पड़ी है, आपको समझ भी नहीं आएगा एजम्पशन क्या है। आप एज्यूम करके चल रहे हो कि मुझे अपने आप को सुख देना है, और इस एजम्पशन का बेसिस क्या है बताना? क्यों दे रहे हो अपने आप को सुख, क्यों दे रहे हो बता, आप बता क्यों दे रहे हो? नहीं बता तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि सब कर रहे क्यों कर रहे हो वो, इसका मतलब जानवर हो, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं कि अपने आप को सुख क्यों देना है। बस देना है, देना है, और कोई मेरे सुख में रोकेगा तो मैं उसको मारूंगा, भौंकूंगा उस पर। सो यू सी द पॉइंट, हमारी पूरी लाइफ अजम्पशन पे चल रही है। बट अगर हम ध्यान से सोचें कि अपने आप को सुख, अपने आप सुख को सुख क्यों दूं, मैं तो गंदा हूं, मैं तो हमेशा खराब चीज सोचता हूं। खराब आदमी को कोई सुख देता है? खराब आदमी से तो हम दूर रहते हैं ना, खराब आदमी से तो दूर रहते हैं, वैसे तो हम यही सुख करते हैं। तो अपने आप को सुख क्यों देना? अपने से तो दूर रहना है, और भगवान को सुख क्यों देना है? क्योंकि भगवान अच्छे हैं, एक आंसर ये फिलोसॉफिकल। जो बेस्ट व्यक्ति को सुख मिलना चाहिए, गंदे लोगों को थोड़े ना सुख मिलना चाहिए। कंफर्ट्स, यहाँ पे कंफर्ट्स और सुख की बात हुई। और दूसरी बात, पहला तो पॉइंट, दूसरा पॉइंट है कि भगवान को हम सुख इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि भगवान हमें सुख दे रहे। ये एक्चुअली ये मेन आंसर है उसका, क्योंकि भगवान ने जन्मों जन्मों तक हमारा ध्यान रखा है और अभी भी रख रहे हैं, और संसार में इतनी सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, इतना सुख दे रहे हैं, इतनी भोग की चीजें दे रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम उनको सुख दें? सिंपल सा हो गया। इसलिए हम भगवान को सुख देना चाहते हैं, यहां पर कोई पर्सनल एजेंडा है ही नहीं, सीधा पॉइंट। तो इसलिए ददीची मुनि जो तपस्या कर रहे थे विश्व कल्याण कर, उन्होंने कहा चलो बहुत ही अच्छा, मैं अपनी हड्डी दे देता हूँ, मतलब दैट्स अ बिग थिंग, मतलब अपनी शरीर को जला के हड्डी दे देना, कौन 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 करेगा? मान लीजिए अब जतिन के पास आए, जतिन अपनी हड्डियां दे दो, क्या करोगे आप? चैंटिंग करो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जतिन अपनी हड्डियां, मैं जा रहा हूँ घर पटियाला, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। सो भगवान ने ददीची मुनि की सेवा ले ली, मतलब ही मतलब ददीची मुनि का सौभाग्य था कि वो भगवान के लिए मरे, बाकी लोग तो सड़के मर जाते हैं, हम सब भी शायद ऐसे ही मर जाए, कुछ पता नहीं लगेगा। मगर वहां भगवान ने ददीची मुनि को कुछ सेवा दे दी कि तुम मेरे लिए मरो। ददीची मुनि तो बहुत अच्छा, चलो भाई ऐसे तो बूढ़ा होकर वैसे ही मरना पागलों की तरह, मैं तो भगवान ही कह रहे मेरे लिए मर जाओ, बस मेरा जीना भी भगवान के लिए हो गया, मरना भी हो गया, मेरी लाइफ परफेक्ट हो गई, खत्म हो गया। मगर इंद्र समझ नहीं पाया फिर भी, क्योंकि इंद्र के आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ था कि मैं मर जाऊंगा, उसी भय आ गया ना उसको। जब भय आता है ना तो आदमी सत्य सब भूल जाता है। तभी तो भगवान कह रहे हैं मां सोचा डरो मत, तभी गीता में कह रहे हैं मेरी शरण लो डरो मत, क्योंकि डरोगे तो तुम भूल जाओगे मुझे, सब कुछ भूल जाओगे तुम। मतलब भगवान को क्या, लोग गुरु के भूल जाते हैं, लोग ये भी भूल जाते हैं कि गुरु को रिस्पेक्ट देनी है, लोग तो गाली देना शुरू कर देते हैं, मतलब अपने गुरु को
जो उनकी जिन्होंने हेल्प की है उनको पूरी लाइफ, ऐसा भी हो जाता है रिजेक्ट कर देते हैं, सुनते नहीं बात। सो इंद्र ऐसे ही हो गया। तो भगवान का प्लान था कि इंद्र का अहंकार खत्म करना, इसलिए भगवान ने दे दी। भगवान ने कहा जाओ ले लो, और फिर जब ऋतराशुर से लड़ाई होगी तो इंद्र को समझ आ जाएगा कि भैया मैं कौन हूं और ये कौन है। तो वित्रासुर ने इसलिए वर्ड इस्तेमाल किया अस्मात्, दरअसल ने कहा कि हमारे भगवान। जैसे ही इंद्र ने सोचा सुना हमारे भगवान, उन्होंने कहा ये क्या, ये असुर है, डिवोटी है, ये कह रहा है। मतलब भगवान तो शब्द वैसे असुर भी बोल सकते हैं, मगर हमारे भगवान तो केवल डिवोटी बोलता है, वो भी टॉप क्लास का डिवोटी, वो मतलब ऑर्डिनरी डिवोटी भी नहीं बोलता। वो तो चलो आप लोग तो बोलोगे भगवान कृष्णा, भगवान की भक्ति करो, टॉप क्लास डिवोटी होते कहते हैं हमारे भगवान की भक्ति करो। तो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेक। तो वित्रासुर एक्चुअली प्रेम के स्तर पे हैं, उनका संबंध है ना, कनेक्शन है। इंद्र समझ गया भाई ये तो मैं असुर से लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैं भक्त से लड़ाई कर रहा हूँ, ये तो मतलब अब थोड़ा इंद्र का माइंड खुल रहा है, कह रहा है ये हो क्या गया, ये मैं तो अपने रक्षा के लिए भाग रहा हूँ और ये तो डिवोटी निकला, अब मैं क्या करूँ। सो अस्मात पति ही, पति वर्ड यूज किया हमारे, मतलब ऐसे प्रॉपर लॉर्ड लिख रहे हैं, बट पति मतलब हस्बैंड हो गया ना, मतलब वो रिलेशनशिप एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हमारे अस्मात पति विद्धत्ते पुरुषस्य, कि हमारे जो भगवान है वो बहुत सारी लीलाएं करते हैं विद्धत्ते। और इंद्र कह रहे हैं इंद्र ये भी लीला है, इनडायरेक्टली ना इंद्र को समझा रहे हैं कि देखो भाई ये भी लीला चल रही है, तुम सोच रहे हो ना कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर, तुम्हें लग रहा है मैं मर जाऊंगा, तुम ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे भी लीला चल रही है। और इंद्र को समझ आ रहा है, वित्रासुर को सब कुछ समझ आ रहा है, वित्रासुर डिवोटी है ना, प्योर डिवोटी, उनको सबको रिवील हो गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। अस्मात् विद्धत्ते पुरुषस्य शक्र तथा अनुमेय। सो वो कह रहे हैं कि देखो शक्र इंद्र का एक नाम है, शक्र क्या होता है, इंद्र का एक नाम होता है। शक्र क्यों कहते हैं इंद्र को, किसी को पता है, शक्र जो शब्द है ना वो वेदों में आता है, क्या क्यों क्यों कहते हैं यज्ञ, क्या मतलब शक्र नाम, इसलिए क्योंकि यज्ञ को बोलते हैं कृत, संस्कृत में कृत कृत, और शत मतलब सौ, जिसने सौ यज्ञ किए हैं, शतक्रतु भी बोलते हैं, और उसको फिर शक्र भी बोल सकते हो, शतकृत शक्र। तो वेदों में लिखा है कि इंद्र सौ अश्वमेध यज्ञ करते हैं और उसके बल से पूरे ब्रह्मांड पूरे देवलोक को कंट्रोल करके रखते हैं, यू सी दैट्स व्हाट इंद्र दास। तो शक्र तो एक्चुअली वित्रासुर जानबूझ के इंद्र को शक्र कह रहे हैं, बताने के लिए भाई तू समझता ना तू डिवोटी है, मगर मैं भी डिवोटी हूं, असुर नहीं हूं, और हमारी लड़ाई हो रही है, बट एक्चुअली अब तो इंडिकेट कर रहे हैं कि मेरे अनुसार तू डिवोटी नहीं है, प्योर डिवोटी नहीं है तू, क्योंकि तू शक्र मतलब जिसने बहुत पावर है ना, पावर है मगर अभी त्रिवर्ग से अंधा हो चुका है, त्रिवर्ग है ना जो भी आया था धर्म अर्थ काम, काम से अपनी इच्छा से, सेल्फिश इच्छा से, या बिकम ब्लाइंड। सो ही जानबूझ के एक्चुअली टॉन्ट मारने के लिए ही जस्ट सेड दिस। शक्र तथा अनुमेयो भगवत प्रसाद, नाउ ही इज कमिंग टू द पॉइंट कि मुझे लगता है अनुमेय मतलब अनुमान है, अनुमान मतलब कि ये मेरा लॉजिकल कंक्लूजन है जो दिखाई दे रहा है, अगर सारे इंसिडेंसेस तुम लॉजिक में रख दो तो ये कंक्लूजन है कि तुम पे भगवान की मर्सी नहीं है, बस नहीं है वे कंक्लूजन, क्योंकि क्यों, क्योंकि तुम्हें भगवान ने इतने सारे ऐश्वर्य दिए हैं, धन दिया है, पावर दी है, फिर भी तुम स्वार्थी हो, फिर भी तुम अपनी रक्षा के लिए ये कर रहे हो, तुम्हें भय भी है अपने लिए,
तो इसलिए मेरे आपसे तुम डिवोटी नहीं हो। और सिर्फ यही पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि तुम इतने भय में और इतने स्वार्थ में चले कैसे गए, मतलब वो आ कैसे गया। इनस्पाइट ऑफ इंद्र को तो नॉलेज तो है ही ना सारे निवोशन की, मगर ये हो कैसे गया, ये हुआ है त्रिवर की वजह से। क्योंकि तुम्हें भगवान ने पावर और पोस्ट और ऐश्वर्य दिया है, इसलिए तुम इन चीजों में फंस गए हो। तो मेरे हिसाब से तुम पे मर्सी नहीं है, तुम्हें लगता है ना कि भगवान की कृपा से मैं राजा हूं देवताओं को और सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूं, एक्चुअली तुम पे भगवान की मर्सी नहीं है। ये तो तुम एक्चुअली फंस रहे हो इन चीजों की वजह से। और इसलिए कह रहे हैं कि दुर्लभ अकिंचन गोच, भगवान को प्राप्त करना तो दुर्लभ है, भगवान की कृपा प्राप्त करना दुर्लभ है, वो तो उन्हीं को मिलती है जो अकिंचन गोचर। ये तो वर्ड सुमती महाराज नहीं कह रही, जो कि अकिंचन है, जिसको उन्हीं को कृपा मिलती है जिससे भगवान सबको छीन लेते हैं, उनको नहीं मिलती जिसको दे देते हैं। क्योंकि जिसको दे देते हैं वो तो तुम्हारी तरह फंस जाएगा कभी ना कभी, कभी ना कभी तो फंसोगे ना, चाहे आज नहीं कल नहीं परसों नहीं तरसों तो फंसोगे। तो आज आप मतलब आप लेक्चर सुन रहे हो मेरे, और आपने कहा चलो ठीक है आज से मैं व्हाट्सएप पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 10 दिन करोगे, कभी जब माइंड लूज होगा तो कर दोगे टाइम वेस्ट कर दोगे, फंस तो जाओगे आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद एक बार तो फंस जाओगे। क्योंकि फैसिलिटी है ना आपके पास, फैसिलिटी है तो आप निकल नहीं सकते उससे, स्ट्रांग चलो चलो। जिस दिन भक्तों का संग कम होगा, माइंड थोड़ा परेशान होगा आपको, चल यार ठीक है व्हाट्सएप देख लेते हैं, टक दिमाग खराब हो गया और आप देख दाग के बस टाइम वेस्ट कर दोगे आप, ऐसा भी हो जाता है। और कभी कभी इतना दिमाग खराब होगा आप कहोगे अब बहुत हो गया, मैं भोग करूंगा, अब मैं खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा, बस बात हो गया, समझ में आता है। तो वो फैसिलिटी है ना, अगर फैसिलिटी होगी नहीं करोगे ही नहीं, कैसे करोगे, खाना ही नहीं होगा तो क्या खाओगे, अगर नहीं होगी चीजें तो क्या करोगे आप। तो इसलिए भगवान ने, इसलिए वृत्ता सुनने का तुम्हें लगता है ना कि भगवान की कृपा से तुम इस पोस्ट में हो, भी ऐसी बात नहीं है, भगवान की कृपा से ही हो, मगर तुम पे पूरी कृपा नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास फैसिलिटीज है और ये फैसिलिटीज ही तुम्हें फंसा रही है, इसकी वजह से तुम अभी फंस गए हो, तुम फंस चुके हो। इसलिए मेरे हिसाब से कृपा तो उस पे है जिससे, पूरी कृपा उस पे जिससे भगवान सब कुछ छीन लेते हैं, पूरी कृपा उस पे नहीं जिसको भगवान दे देते हैं, वो कृपा नहीं होती। सो क्योंकि रिस्क है बहुत बड़ा उसमें, बहुत बड़ा रिस्क, इसलिए पता है, इसलिए एडवाइस है कि कम से कम चीजें होनी चाहिए अपने पास, वरना फंस जाओगे आप। अपने लाइफ को ना सिंपल बनाते रहो, वरना कभी ना कभी आप अटक जाओगे, फिर आप आपकी 6 महीने की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अगर संकल्प बढ़ता जा रहा है, एक दिन आपने तोड़ दिया फिर कैसे होगा, फिर तो सब बैक टू स्क्वायर वन फिर से करते रहो। तो एडवाइस या किंचन गोचरम, एडवाइस ये है कि अपने लाइफ से झंझट हटाते रहो, कम से कम चीज कर दो, अगर यूज नहीं है तो हटा दो, यूटिलिटी है तो छोड़ दो, यूटिलिटी है तो करनी पड़ेगा, अदरवाइज छोड़ दो। ये मत सोचो कि यार ये कभी कभी यूज आ जाता तो रख लेना, कभी कभी यूज आता तो छोड़ दो, ये कभी कभी कैसे अलग से कर लेना, दैट्स अ बेस्ट थिंग। इसलिए संन्यास आश्रम है कि भाई अल्टीमेटली छोड़ ही दो तुम यार, छोड़ दो, निकलो अपने जाल से, तब एक्चुअली फिर माइंड सही में कंट्रोल आएगा, वरना तो भाई माइंड पूरा अटका ही रहेगा इन चीजों। इसलिए प्रभुपाद ने कहा सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, दैट्स आइडिया, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। जो चीज प्रचार करे जरूरत है वो रख लो बस, हम तो प्रीचिंग भगवान के लिए जी रहे हैं ना, हम तो जो प्रीचिंग के लिए जरूरत है वो रख लो, जो जरूरत नहीं है छोड़ दो, दैट्स ऑल। चाहे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है बट फॉरगेट इट। तो हम अकिंचन गोचरम, वैसे अकिंचन गोचर का एक और मतलब है, सिर्फ चीजों से रिलेटेड नहीं है, अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ नहीं होता, किंचन मतलब कुछ, अकिंचन मतलब किंचित, किंचित होता है ना कुछ, कोई कुछ नहीं होता, जिसके पास कुछ नहीं होता उन्हीं को आपके दर्शन होते हैं। कुछ नहीं होता मतलब जिसके पास अहंकार नहीं है, जिसके पास स्वार्थ नहीं है, जिसके पास भय नहीं है, इच्छाएं नहीं है, वो ही एक्चुअली भगवान को
प्राप्त कर सकता है, वही भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। सो ये चीज हमें इनसे निकलना है। वृत्रासुर में नहीं है ये, वृत्रासुर में ना स्वार्थ है ना ही भय। भय तो है ही नहीं, इंद्र से लड़ रहा, अकेले लड़ रहा है। बाकी जब वृत्रासुर लड़ने आया ना जो सारे असुरों के साथ, सारे असुर भाग गए डर के। इंद्र ने कहा भाग रहे हो भाई, क्या हो रहा है? उन्होंने कहा तुम भागो, भाड़ में जाओ, मैं लड़ूंगा। तो वो अकेले ही लड़ रहा था, तो ना भय ना कोई इच्छाएं हैं, क्योंकि ये तो प्रेयर से पता लग गया। वृत्रासुर तो अभी कह रहे हैं इंद्र को कि मुझे मार दो भैया, जल्दी से मुझे मार दो, मैं तो भगवान के पास चला जाऊंगा। वो मृत्यु ज्यादा अच्छी है जिससे भगवान की प्राप्ति हो, उससे ज्यादा, उस जीवन से ज्यादा जिसमें भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं रही। पॉइंट ही है, उसे तो मरना ही है। तूने कहा तुझे मार दे, मेरे मरने से मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा, और तेरे जीने से तू तो जीता हुआ मरा हुआ है, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है। तू तो डिवोटी नहीं है, प्योर डिवोटी। सो उन्होंने कहा कि अकिंचन गोचर अन्यई, अकिंचन गोचर अन्यई। तो कह रहे हैं कि बाकी जो लोग हैं जो किंचन नहीं है जैसे तुम जैसे लोग, उनको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। सो एक्चुअली भगवान ने इसलिए लीला की थी इंद्र के आंख खोलने के लिए कि भाई तुम सोच रहे हो तुम डिवोटी हो, मगर एक्चुअली नहीं हो। और तुम क्या सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो कि चलो भाई ठीक है मेरे जो वैकुंठ में लोग डिवोटी हैं, ये तो चलो उसको पता होगा कि मैं तो देवलोक में हूं, मुझसे ऊपर भी डिवोटी, गरुड़ जी मुझसे ऊपर डिवोटी हैं, गोपियां मुझसे ऊपर डिवोटी हैं, वो तो ठीक है, मगर मैं भी हूं। मगर भगवान ने कहा कि भाई ये असुर शरीर में ये डिवोटी है, ये डिवोटी है। अपने से महान लोगों को तो महान मानना आसान होता है, अपने से नीचे लोगों को महान मानना वो असंभव होता है, मुश्किल ही नहीं, वो कर नहीं पाओगे आप। तो जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक आप पहचान ही नहीं पाओगे, है नी भाई। भक्ति तो भक्त को पहचान पाता है, जो महान असुर तो वैसे आप मान लो कि भक्ति है, जैसे मैं हूं मुझे तो मान लो चलो मुझ में भक्ति है, मगर आप एक दूसरे में मान के दिखाओ भक्ति है, वो आप नहीं मानोगे, अबे ये पागल क्लाउन, इसको तो बोलना भी नहीं आता, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, वो तो ऐसी है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, बस खत्म। क्योंकि आप में भक्ति नहीं, इसलिए आपको भक्ति दिखाई नहीं दे रही, प्रॉब्लम ये है। भक्ति हो सकता है कम है मगर है, सो वो दिखाई नहीं देती ना। तो इसलिए भगवान ने जानबूझ के इंद्र और वृत्रासुर की फाइट कराई, क्योंकि वो तो अंधा हो चुका था, है नहीं, मतलब ऑफकोर्स अंधा हो गए थे इंद्र, बट अगर आप इंद्र से पूछते कि भाई गरुड़ जी डिवोटी, कहते हाँ डिवोटी है, महान है, उनके चरण पड़ूंगा, नहीं तो उससे पता नहीं लगता, उसे पता नहीं लगता कि मेरे में प्रॉब्लम है। जब आप सीनियर डिवोटी का रह रहे हो ना, तो शायद आपको पता ना लगे आप में प्रॉब्लम है, क्योंकि सीनियर डिवोटी के सामने तो सब अच्छे बच्चे होते हैं, है नहीं, सब अच्छी तरह बात करते हैं, सब अच्छा चलता है। वह तब पता लगेगा जब आप अपने से इक्वल या अपने से नीचे लोगों के साथ होगे, तब पता लगेगा कितना डिवोटी है। क्योंकि डिवोटी क्या आपके पता लग जाएगा कि आप कितने, अगर आप उसको कंडेम कर रहे हो, डील नहीं कर रहे, तो आपको पता ही नहीं डिवोटी, और रिस्पेक्ट कर रहे हो एज अ मास्टर, मैंने बताया था ना, तो पता लग जाएगा। सो इसलिए सीनियर डिवोटी की एसोसिएशन भी इंपॉर्टेंट होती है, और जूनियर्स की भी, समझे, दोनों ही रोल प्ले कर रहे होते हैं, दोनों ही आपकी मदद कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं सीनियर से मदद ले रहा हूं और जूनियर्स को मदद, मगर एक्चुअली नॉनसेंस ये, ठीक है, मगर एक तरह से पूरी कंप्लीट पिक्चर नहीं है, आप सबसे मदद ही ले रहे हो, हम क्या किसी की मदद करने वाले हैं, हम तो नॉनसेंस है। सो भगवान इसीलिए प्रीचिंग करना भी जरूरी होता है, क्योंकि प्रीचिंग से जूनियर लोग आते हैं ना, फिर उससे हमें पता लग जाता है कि हम कितने पानी में हैं। जब जूनियर आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा तो तिलमिलाओगे, अब इसने तो आपका बाहर आ गया, आपका पता ही नहीं लगेगा आपको बिना जूनियर के। जब आपकी बात नहीं मानेगा तो आपको यार ये बात नहीं मानता, क्या है, मन परेशान होगा, पता लग गया आपका माइंड अनकंट्रोल्ड है। वैसे तो सीनियर के साथ तो कोई पता नहीं लगेगा, वो जो कहेंगे कर लोगे अच्छे तरह से, जूनियर जब बात नहीं मानेंगे, या जब इक्वल में ही जब डिसीजन से लगा लगा रहे हैं, आप परेशान हो रहे हो, यार ये ऐसे कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है, ये क्यों कह रहा है, आप परेशान होना अलग बात है, डिसीजन अलग होना अलग बात है, डिसीजन अलग आ सकते हैं, उस पर आर्ग्यूमेंट हो सकती है, सेटल हो सकती है, परेशान होना इसका मतलब आप, उसका मतलब यह है कि
कि अभी कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, वो पता लग गया कि अहंकार है अभी, क्योंकि आप उस डिस्कशन को सही स्पिरिट में नहीं ले रहे, मेरी बात नहीं मान रहे, तभी तो परेशान हो रहे हो। परेशानी तभी आती ना, मेरी बात नहीं आ रही, सही स्पिरिट में लोगे तो परेशान क्यों भाई, ना मेरी बात चले ना उसकी, भगवान के लिए हो रहा है ठीक है, दैट्स ओके, मैं कोई सीनियर नहीं हूँ, वो तो मेरी हेल्प कर रहा है, यू सी इन दैट कॉन्टेक्स्ट। सो भगवान ने जानबूझ के इंद्र को कहा कि इंद्र को पता लग जाए कि वो अहंकारी है जब इतना थोड़ा सा लड़ाई करेगा और जब ये डिस्कशंस आएंगी जब। सो दैट्स व्हाई दिस वर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। वित्रासुर ने लॉजिकली भी प्रूफ कर दिया कि इंद्र पे पूरी कृपा नहीं, लॉजिकली प्रूफ कर दिया, क्योंकि उसके पास वो अकिंचन नहीं है, डजंट हैव मर्सी, डजंट हैव मर्सी। अकिंचन मतलब इन द सेंस ऐश्वर्य और वेल्थ की सेंस में भी अकिंचन नहीं है, और स्वार्थ और भय और इच्छाओं के सेंस में भी अकिंचन नहीं है, तो क्या भगवान की कृपा प्राप्त होगी। वित्रासुर ने कहा भाई तू तू छोड़ यार, तू मुझे मार और काम कंप्लीट कर, तू अपने रास्ते जा, मैं भगवान के पास जाता हूँ, तुझसे बढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। That's how he was thinking. हरे कृष्णा, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, stop here, it's done. It's, yeah, it's done. कोई क्वेश्चन है? I just finished. नहीं चल रहा, चल रहा है। मुझे पूर्ण कृपा चाहिए, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। महाप्रभु कह रहे हैं मुझे पूर्ण कृपा चाहिए, मैं अब थोड़ी सी कृपा से संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों कह रहे हैं ऐसा, कुछ हो सकता है क्यों कह रहे हैं? पूरी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, ये कह सकते हो पूर्ण, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर भगवान पूर्ण कृपा नहीं दे रहे, ऐसे इंद्र को नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है पूरी तरह खुश नहीं है हमसे। इसी खुश होगा तभी तो पूर्ण कृपा देगा व्यक्ति। सो अल्टीमेटली तो भक्ति मतलब भगवान को पूरी तरह खुश करना है, हमें पूर्ण कृपा नहीं मिली, तो वो पर्सनल एजेंडा नहीं है कि मुझे पूरी कृपा चाहिए, वो एक कहने का तरीका है, भगवान अब पूरी तरह खुश नहीं है मुझसे। और क्यों खुश नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम है, तो इसलिए डिवोटी प्रे करता है भगवान मुझे आपकी पूर्ण कृपा चाहिए। बट प्रभुपाद कह रहे हैं बिफोर यू डिजायर यू शुड डिजर्व, उसके लिए आपको अपने आप को अधिकारी भी बनाना पड़ेगा उस पूर्ण कृपा लेने के लिए। मेरा क्वेश्चन है वो अधिकार क्या है, क्या अधिकार है हमारे अंदर कि जिससे भगवान की, इससे हमें प्रेयर करने लायक भी बन जाए वृत्रासुर की तरह। वृत्रासुर की जो प्रेयर्स हैं, मैं पॉइंट इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छी प्रेयर्स है, वेरी नाइस, मगर हमें भी तो ऐसी यहां तक पहुंचना है, तो वो अधिकार क्या है कि हम ऐसी प्रेयर्स कर पाए, दैट्स द क्वेश्चन। हमें आप पहुंचे कैसे, एटलीस्ट प्रेयर करने के लेवल पे, बाकी तो करना तो दूर है, प्रेयर करने के लेवल पे हम कैसे पहुंचे? समर्पण तो कोई आंसर ही नहीं है। प्रैक्टिकल आंसर नहीं है। सो वो अधिकार क्या है? वो अधिकार है हमारे भगवान की पूर्ण कृपा पाने का अधिकार है। मतलब आप तो अकिंचन कह रहे हो ना, मतलब आप तो काम क्रोध लोमो कह रहे हो ना, मगर मैं कह रहा हूँ कोई अधिकार। अब यार आप हमेशा 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 सब्जेक्टिव में आंसर मत किया करो, ऑब्जेक्टिव चीजों में आंसर किया, क्योंकि तो मेजर नहीं कर सकते ना। क्या आंसर है, क्या अधिकार होना चाहिए, कि आपको पता भी तो लगे, किसी को पता तो लगे क्या अधिकार है। सो दैट्स, ये क्वेश्चन डील करना है हमें इस पॉइंट से, इस सारे डिस्कशन से, इस क्वेश्चन पे आना है कि भाई हम कैसे पहुंचे, हमें क्या अधिकार लाना है अपने अंदर कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं। सो एक पॉइंट ये है, वो अधिकार ये है कि ऑफकोर्स आप भक्ति कर रहे हो तो दूसरों के लिए करना शुरू करो, अपने लिए मत करो भक्ति। तो अपने लिए भक्ति मत करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज, ये अधिकार है जो दधीचि ने किया। और दूसरा जो एक अधिकार है कि जो शीला प्रभुपाद कह रहे हैं जो वृत्रासुर ने किया, वृत्रासुर क्या कर रहे हैं मुझे बताना। वृत्रासुर एक ऐसा काम कर रहे हैं जो इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, क्योंकि वृत्रासुर
अकेले लड़ रहे हैं पूरी डेमी गॉड्स की आर्मी से, पूरी आर्मी से अकेले लड़ रहे हैं। आप पढ़ लो पहले, सारे भाग गए थे उनके सैनिक, और मतलब धृतराष्ट्र के हाथ भी काट दिए इंद्र ने, फिर भी लड़ रहे हैं वो, फिर भी मुंह से खा गए उनकी आधी आर्मी। ही डिडंट गो बैक। सो वाई, तो वाई वॉज फाइटिंग, मतलब वो ऐसा काम कर रहे हैं जो इम्पॉसिबल है। दूसरा अधिकार है कि भगवान की सेवा करना बिना डरे, और ऐसी सेवा करने की कोशिश करना जो कि आपके लिए इम्पॉसिबल है, हो सकता है दूसरे के लिए पॉसिबल है, बट उसके लिए सोचना कि मैं भगवान के लिए ऐसा क्या कर सकता हूं जो कि मैं नहीं कर सकता, वो मुझे करने की कोशिश, तो उसका उस वो क्रेडिट मिलेगा आपको। फिर आप नहीं कर सकते फिर भी कर रहे हो, उसमें डर लगेगा आपको, मगर आपको छोड़ना पड़ेगा अपना डर। तो भगवान के लिए आपको अपनी अटैचमेंट्स और डर वर सब छोड़ना पड़ेगा। वो अधिकार है, वो श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि क्या कहते, प्रभुपाद ने कहा था थिंक बिग, ये प्रभुपाद ने कहा था अधिकार, भगवान के लिए कुछ कर दो बस। सो दैट्स द एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्विस, बेसिकली ये आ गया, प्रभुपाद कह रहे थे एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्विस कर डालो, वो अधिकार है। तो जब ये अधिकार आ जाएंगे ना, तो भगवान की पूर्ण कृपा मिलने, ऑफ कोर्स एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्विस आप डिवोटीज के लिए भी कह सकते हो, भगवान के लिए भी वो इंक्लूडेड होता है ना, मैंने बताया था वैष्णव के लिए भी इंक्लूडेड होता है। जैसे प्रभुपाद ने कर दी एक्स्ट्रॉर्डनरी सेवा कर दी, इस्कॉन इंस्टीट्यूशन बना दिया, कितने सारे लोगों को डिवोटी बना दिया, कितने सारे डिवोटीज को अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपनी भक्ति कर पाए, नहीं मतलब ये तो एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्विस है, बुक लिख दी, भगवान पे पूर्ण कृपा थी, पूर्ण कृपा थी श्रील प्रभुपाद पे, इतना सौ रुपए थी। ये प्रैक्टिकल चीज है जो हम बात कर रहे हैं। तदीची मुनि ने एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्विस की, अपनी हड्डियां दे दी, पितरासुर ने एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्विस की, इसलिए प्योर डिवोटीज, इन प्योर डिवोटी नहीं क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डनरी ऐसी कोई सर्विस नहीं है, ही इज जस्ट मैनेजिंग द शो जो उसको करना है, दैट्स ऑल, ही इज नॉट डूइंग। तो ये अधिकार हमें लाने की कोशिश करनी चाहिए, तब भगवान की कृपा आएगी, तब हम फिर आगे भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो एक्चुअली हम एटलीस्ट हम प्रे करने लायक तो बन जाएंगे इसके, ये प्रेयर्स बहुत हाई फाई प्रेयर्स हैं, बहुत एलिवेटेड प्रेयर्स हैं। और तीसरी चीज जो मैंने बताई थी, तीसरा अधिकार है कि भैया कि अपने लाइफ से अपनी लाइफ को सिंपल बनाते रहो, ये नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर कृपा आएगी नहीं। सिंपल बनाओ अपनी लाइफ को जितना हो सके, फंस जाओगे आप अपना, वरना एक ना एक दिन हो जाएगा काम। जैसे एसी, हमें एसी नहीं यूज करते, मैं नहीं करता, तो डिवोटीज के लिए है सिर्फ। तो मुझे कई लोग बोल चुके हैं प्रभु कर लो भाई, कर लो, गर्मी हो रही है, कर लो कर लो कर लो, मर गए। तो जो आते हैं रहते हैं मेरे साथ, तो रूल मैंने रूल बना दिया कि हम नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो एक घटिया सा कूलर रख सकते हो आप बाई चांस, मतलब जब बहुत ही गर्मी है, आप काम ही नहीं हो रहा, मगर ये नहीं करेंगे। तो आए थे एक बार अचिंत्य प्रभु सब आए थे, इतनी गर्मी हो रही सब, मैंने कहा भाई चलो लेक्चर में खोल दिया, मैंने लेक्चर कर दूंगा बंद कर दिया, उन्होंने कहा प्रभु अब तो खोल, मैंने कहा अब तो आपने ले हो रहा है, सुनी खोलेंगे, वो परेशान हो गए गर्मी से। बट मतलब आप इसमें एक लॉजिक कह सकते हो कि भाई देखो हम परेशान हो रहे हैं तो एसी खोल लो, थोड़ी भक्ति सही से हो जाएगी। पॉइंट ये भी तो कन्फ्यूजन आ जाती है ना फिर, बट द पॉइंट इज अगर आप उसमें फिर इंटेलिजेंट होना पड़ता है, अगर आप भक्ति के लिए फिर एडवांटेज लेने लगो ना, फिर धीरे धीरे उसमें खिंच जाते हैं। थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होती है, बट आपको थोड़ा डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि ये चीजें ना बहुत जल्दी खींचती हैं हमें। संसार है ना, संसार तो खींचेगा ही, भगवान तो कहाँ खींच रहे हैं, आप थोड़ा सा करोगे। इसलिए अब वो चाणक्य पंडित नहीं थे, उन्होंने रूल बनाया था कि जब मैं अशोक के राज्य में होऊंगा तो उसका इंक यूज करूंगा, जब अपने रूम में होऊंगा तो अपनी इंक होगी, मतलब ही वाज नॉट यूजिंग देयर हिज इंक। तो लोग कह रहे थे कि अचानक के पागल है, उसने कहा भी इसी से व्यक्ति की लाइफ में डिसिप्लिन आता है, इसी रूल्स एंड रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शन से। तो ये तीसरा अधिकार है, जो अधिकार की बात कर रहा हूं ना, कि आपको अपने लाइफ को सिंपल बनाना पड़ेगा। सिंपल बनाने का मतलब है कि कुछ रूल्स में बांधना पड़ेगा अपने आपको। सिंपल बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने छोड़ दिया आराम से बैठो, रूल्स में बांधना पड़ता है तब सिंपल बनती है, वरना सिंपल नहीं बने, आप नहीं कर पाओगे सिंपल, फिर से कुछ घुस जाओगे, फिर कॉम्प्लिकेटेड में घुस जाओगे। नियम है तो नियम है बस, अब ये होगा ही नहीं भाई, नहीं हो सकता, और चलते बस।
खत्म हो गया, नहीं फंस हो गया। तरीका ही होता है सिंपल बनाने का, ये अधिकार चाहिए होता है, इसको कहते हैं तपस्या। अगर सारे बात की एक बात को तो तपस्या तो कहते हैं ना, अधिकार है कृपा प्राप्त करने का, ये तपस्या ऐसे That's how it goes. So, आप लोग अब सोचो क्या कर सकते हो कुछ करो, अपने आप को रूल्स में बांधो और चीजें हटाओ और तब जाके चीजें होंगी, और ना होंगी it doesn't happen. Okay, that's it. हरे कृष्ण।